मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो CISF का वैकेंसी आया है 1149 पोस्ट पर, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 1149 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आया है, जो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। इसमें केवल मेल लोग अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए इसमें नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सभी स्टेट का अलग अलग वैकेंसी इसमें दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए 112 वैकेंसी दिया गया है, इसी तरह से बिहार का भी वैकेंसी 123 दिया गया है। सब स्टेट का अलग अलग बांटा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है, 29 जनवरी से अप्लाई हो रहा है, 4 मार्च तक लास्ट डेट है इसका। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका रिकॉर्डिंग डेट, ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट लास्ट डेट 4 मार्च को है। आप लोग 4 मार्च से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस PCM PCB से होना चाहिए। इसमें अप्लीकेशन फीस आपको लगेगा जनरल के लिए 100, OBC EBC के लिए 100 रुपये। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आप लोग को डिटेल दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। SC ST कैंडिडेट का कोई फीस नहीं लगेगा। मिनिमम एज आपको जनरल के लिए 18 से मैक्सिमम 23 ईयर है। OBC EBC ये सब का रिलैक्सेशन है, OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल मिलता है, जो रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी में काफ़ी अच्छा है, आप लोग अप्लाई कीजिए और जीत जान से प्रिपरेशन कीजिए। और इस बार वर्दी अपनी हो चाहिए। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ जूम कर। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, सेंट्रल का वैकेंसी है। CISF में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाइए अपना। टेन प्लस टू मंगाया गया है इसमें। एलिजिबिलिटी डिटेल्स में बता ही गया हूँ, 12th एग्जाम विथ साइंस, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। मैं शुरू फर्स्ट में ही बताया वीडियो में, केवल मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है। आप लोग को लिए देख सकते हैं, इसमें फिजिकल होगा, जिसमें 5 किलोमीटर दौड़ होगा, वो 24 मिनट में पूरा करना होगा आपको। 24 मिनट के अंदर आगे इसमें PET होगा, फिजिकल एफिडेंटिंग टेस्ट, उसके बाद रिटर्न ऑफलाइन या ऑनलाइन, इसमें क्लियर नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, इसमें कोई क्लियर नहीं किया गया है। इसी तरह का वीडियो और जॉब से रिलेटेड वैकेंसी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।